फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी अपने एथेनॉल भंडारण क्षमता में 51% की बढ़ोतरी कर रही है। गौरतलब है कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक गैसोलीन में इस बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग 20% तक करने की है। भारत के टॉप रिफाइनर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ये बात कही है। बता दें चलें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इम्पोर्टर है और यह अपनी मांग का 80% से ज़्यादा हिस्सा आयात से पूरा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार इंडस्ट्री को ईंधन के स्वच्छ और रिन्यूएबल विकल्पों की तरफ जाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। एथेनॉल जैसे बायोफ्यूल कार्बन फुटप्रिंट घटाने में बड़ी सहायता कर सकते हैं। भारत 31 मार्च को खत्म होने वाले इस वित्त वर्ष में गैसोलीन में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य पूरा करने के बहुत करीब है। बता दें कि पिछले साल भारत ने गैसोलीन में एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य बढ़ाकर 2 गुना कर दिया और यह तय किया कि अब 2025 तक देश में गैसोलीन में 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अप्रैल 2023 से देश के कुछ हिस्सों में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले गैसोलीन की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर से अनब्लेंडेड पेट्रोल पर 2 रुपये प्रति लीटर टैक्स लगाने का भी ऐलान किया है। गौरतलब है कि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम की एथेनॉल स्टोरेज क्षमता 178 मिलियन लीटर की है। वर्तमान भंडारण क्षमता के साथ वार्षिक आधार पर देश में करीब 4.30 अरब लीटर एथेनॉल की हैंडलिंग की जा सकती है जो 15 दिन की जरूरत पूरी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।